असल वरम्बरकू मैं ख़ली अहमद यी एस बी एन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ नाजरीन पिछले दस दिन से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में जो हंगामा चल रहा था आज उसका अख्ताम अमल में आ गया है क्योंकि आज एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है और वो आज से महाराष्ट्र के चीफ़ मिनिस्टर कहलाए जाएंगे मगर मैं आपको एक दस दिन पहले के जो वाक़ तो रोनमा हुए उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख की रात को जब एकनाथ शिंडे ने मेयर थाने के जो मेयर हैं उनके बंगले पे जो मीटिंग की उसके बाद अपने 30-35 एम को लेकर जब वो सूरत पहुँच गए उसके बाद फिर वहाँ से गुवाहाटी का सफ़र किया और लगातार उनके कैंप में जो बागी अरकान इसम्बली है उनकी तैदा लगातार बढ़ती गई और नौबत ये पहुंच गई कि शिवसेना के पास सिर्फ दस या बारह एम एल ए तक सकड़ के शिवसेना रह गई इस बीच में जो वाक़ तो रोनमा हुए वो बड़े दिलचस्प वाक़ात थे क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक शिवसेना के जो एम एल ए हैं शिवसेना को छोड़ कर बागी दल में जो ज्वाइन कर रहे थे उनकी तैदाद लगातार बढ़ते जा रही थी और शिवसेना की जो एम की एदाद है वो लगातार घटते जा रही थी मगर इसके पीछ, पीछे जिन लोगों का दिमाग है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके मास्टरमाइंड जितने भी लोग थे वो या तो दिल्ली में बैठे हुए थे या तो गुजरात में बैठे हुए थे और किस तरह से वहाँ पे चार्टेड प्लेन का इस्तेमाल किया गया यहाँ से एक एक एमएलए को सूरत से गुवाहाटी लेके जाने के लिए जिस तरह से चार्टेड फ़्लाइट्स को बुक किया गया किस तरह से वहाँ पे रेडिसन ब्लू जो गुवाहाटी में एक फाइव स्टार होटल है उसको बुक किया गया उस और इसके पीछे जो करोड़ों रुपए का खर्च आया और जो चार्टेड फ्लाइट्स से जो जिन एम को ले जाया गया उनके पीछे जो करोड़ों रुपये का ख़र्च आया फिर उसके बाद गुवाहाटी से जो एम तो गोवा पहुंचाया गया इसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का खर्च आया उसका हिसाब किताब आखिर कौन देगा इसके पीछे इतना पैसा जो पानी की तरह खर्चा किया गया इसके पीछे कौन सी लॉबी थी क्या ईडी डी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट जो है क्या वो ये इनसे सवाल करेगी एक शिंदे से ये सवाल किया जाएगा क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकारें बना रही है या तो वहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल रहा है किस तरह से वहाँ के मिनिस्टर्स को किस तरह से वहाँ के एम को ईडी के ज़रिए डराया गया ये बताया गया कि अगर आप लोग हम हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका मुस्कबिल अब जेल में होगा एक बहुत बड़ी वजह एक शिंदे साहब की भी यही थी कि जो उनके पास जितने बागी एमएलए जो उनके साथ उनका साथ दे रहे थे उन कई एम के ऊपर ई की नोटिस थी और कई कई एम के ऊपर सी के धावे भी पड़े थे और कई एम को नोटिस जारी कर दी गई थी तो उनको लगने लगा कि अब अपना मुस्तबिल हमारा जो है वो अब सियासत में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा तो उन्होंने एक रणनीति बनाई और किस तरह से रातों तो रात उन्होंने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आज जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत कल उन्होंने कल वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और आज सीफ चीफ मिनिस्टर की दावेदारी हालांकि कल तक देवेंद्र फडनवीस का जो नाम लिया जा रहा था कि देवेंद्र फडनवीस अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे इन तमाम ख़यास आरइयों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि हमें सत्ता की लालच नहीं है हमें हुकूमत की भूख नहीं है मगर जिस तरह से आपने 2019 में देखा था कि जिस तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में अख्तलाफात उभर कर आए थे उसके बाद रातों रात देव देवेंद्र फडनवीस जो है वो जाते हैं और गवर्नर हाउस पे शपथ लेते हैं और अजीत पवार को एनसीपी से तोड़ा जाता है उसके बाद फिर ये अपनी जो अक्सरियत है वो साबित नहीं कर सकते और फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये सोच भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में थी कि अगर कल के रोज़ ये भार जो शिवसेना के एम हैं अगर वो बगावत करें तो हम हमारी हुकूमत फिर से एक बार ना गिरे ये तमाम चीज़ों को सोचकर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि शिवसेना को आगे करके एक नाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए हालांकि एक नाथ आप लोग जानते हैं कि अब बराबर स्टैम्प की तरह काम करेंगे क्योंकि पूरा दिमाग जितना भी लगेगा और जो असर व रसूख जितना भी रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ देवेंद्र फडनवीस और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा क्यों कि आज तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की जो सियासत की है जिसके लिए वो मशहूर जानी भी जाती है क्योंकि आपने कर्नाटक को देखा आपने मध्य प्रदेश को देखा जहां पर अक्सरियत ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई तो यहाँ यहीं कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि अगर हम हुकूमत में अगर आ जाएंगे तो लोग ये सवाल उठाएंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही थी कि शिवसेना के जो बागी एम हैं उनमें हमारा कोई रोल नहीं है उनको तोड़ने में हमारा कोई रोल नहीं है हालांकि आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इनके लिए तमाम साजो सामान मुहैया किया गवाहाटी में इनके लिए जो होटल बुक की गई जबकि आसाम के हालात सैलाब से इतनी बुरी तरह ख़राब हैं मगर वहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो उन तमाम हालात को छोड़कर सीधे रेडिसन ब्लू होटल पहुंच जाते हैं और वहां पे जो शिवसेना के जो एमएलए रुके हुए थे उनके ऊपर बेतहाशा मोहब्बत उनको आ जाती है उनकी आओ भगत में वो लग जाते हैं और उसके बाद इनको वहां से गोवा मुंतकिल कर दिया जाता है हालांकि अभी भी जितने गोवा में एम रुके हुए हैं वो अभी तक महाराष्ट्र को नहीं आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक शिंदे और देवेंद्र फडनवीस ने आज शपथ ली है आनंद साहबान के आशीर्वादा ने एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकर्ष न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन मी मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्य मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र की शपथ ले ली है इसी के साथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं एक नाली है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब जिस वक्त एक नाथ शिंदे शपथ लेने के लिए गए तो बाला साहेब ठाकरे के नारे लगाए गए तस्वीरें तो ये कहीं ना कहीं ईडी का इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है कि जहां भी सियासत में हलचल पैदा होती है उसके पीछे ये कहा जाता है कि इसमें मरकज़ी एजेंसियों का हाथ है चाहे वो ई हो चाहे सी हो चाहे आप एन आई कुछ भी रहो क्योंकि इनके खिलाफ इस तरह से जो मुकदमा कस दिए जाते हैं इनके गले में जो फंदा लटका दिया जाता है कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी जो पार्टी है उससे बगावत करें और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र में हुआ है जो जो तमाम खेल पिछले दस दिन से चल रहा था हालांकि एक नाथ शिंडे बार बार ये कह रहे थे कि हम को सत्ता की लालच नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना मुफाहमत कर ले और महाविकास अगाड़ी की सरकार को छोड़ दे और बीजेपी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आ जाए तो क्या यही हिंदुत्व का एजेंडा है कि आप किसी पार्टी जिसने आप को ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया क्या आप यही आपका एजेंडा है कि आप उनकी पीठ में छुरा घोपो और एक दूसरी पार्टी के आप साथ चले जाओ ये हिंदुत्वा का मसला नहीं है मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि हिंदुत्वा का अगर ये मसला होता तो आज से ढाई साल पहले जब शिवसेना और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर जब सरकार बनाई थी उसके बाद इसमें से कितने मंत्री जो थे जो ढाई साल तक मिनिस्ट्री में बैठे रहे जिस तरह से एक नाथ शिंडे ढाई साल तक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो उनको जो मिनिस्ट्री गई थी उस पर बैठे हुए थे जब उनको हिंदुत्व की याद नहीं आई इन उनको ऐसा लगा कि जब हिंदुत्व खतरे में है जब उनके ऊपर ईडी ने अपना फंदा कसना शुरू किया तो जब इनको एक मुद्दा मिल गया कि हिंदुत्व शिवसेना बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़कर एन और कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो गई हालांकि बात वो बिल्कुल नहीं थी इनको अपना जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़तरे में नज़र आ रहा था क्योंकि अगर ईडी की कार्रवाई होती है और एक शिंदे और उनके कई मिनिस्टर्स जिनके ऊपर ईडी ने फंदा अपना कस दिया था अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती तो वो आज जेल की सलाखों के पीछे होते तो उन्होंने सोचा कि हम जेल के सलाखों के पीछे जाने से अच्छा ये है कि हम दल बदल लें और अब दूसरी सरकार में आ जाएं तो उसके बाद ना कोई ईडी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी ना उनके ऊपर कोई सीबीआई का छापा होगा इनके जो तमाम पुराने जो पाप थे वो धुल के साफ हो जाएंगे क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है इसमें इधर से आप डालिए उधर से आदमी बिल्कुल साफ़ होकर निकल जाता है तो इसी तरह की जो हरकत आज महाराष्ट्र में हुई है कहीं ना कहीं आप लगातार उसके बाद देखते जाइए अब ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब झारखंड की बारी है क्योंकि झारखंड में भी जिस तरह हेमंत सोरेन के ऊपर ई ने अपना फंदा कसना शुरू कर दिया है और झारखंड में जो अब इस वक्त जे -म -म और कांग्रेस की सरकार है और इस बीच में कई दरारें भी आ गई है दोनों की सरकार के बीच में मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या अब भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना झारखंड है तो नाजरीन आज हमारी सियासत इतनी इतनी निचली सती पे गिर गई है कि आदमी अब जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी सियासी मकासद को पूरा करने के लिए कितनी हद तक नीचे जा सकती है उसका अंदाज़ा आप शायद लगा भी नहीं सकते और जिसकी मिसाल आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के बागी जो लीडर हैं एक शिंदे हालांकि एक शिंदे शिंडे का जो करियर है मैं आपको बता दूँ एक ऑटो वाले से लेकर आज मुख्यमंत्री तक का जो उनका जो सफ़र है उसके बीच में उन्होंने कितने क्या क्या गुल खिलाए हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और अब क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या एकनाथ शिंदे मिलकर जो हिंदुत्व हिंदुत्वा का जो राग अलाप रहे थे कि अब देखना है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व किस तरह से फल फूलता है शुक्रिया